एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, हमारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली टोटका, जिसका प्रयोग कर आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं, उसे पागल भी कर सकते हैं। टोटका बहुत ही सरल है। टोटके में जो मंत्र दिया गया है वो पूर्णतया सिद्ध किया गया है, तो आपको मंत्र सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ हमने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे आपको विधि करनी है। टोटके का फल प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप बिना कोई गलती किए उस टोटके का फल प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हम वीडियो के अंत तक कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं जिनके अभाव में टोटका होना नामुमकिन होता है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक देखें, उसके बाद ही टोटका करने का प्रयास करें। चलो जानते हैं हमारी शत्रु नाश के टोटके के बारे में। सबसे पहले आपको एक सफ़ेद कागज लेना है। उस सफ़ेद कागज़ पर काले मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखना है और उसके नीचे एक मंत्र लिखना है, जो कि है शत्रु क्री फट स्वाहा। ध्यान दें, छोटा सा मंत्र है, आपको लिखना है शत्रु क्री फट स्वाहा। यह मंत्र आपको कागज़ पर लिखना है। लिखने के बाद कागज़ को फोल्ड कर उसे काले धागे से बांध देना है। फिर आप जब पेशाब करने जाएं, तब उसे अपने सामने ज़मीन पर रख दें और उसके ऊपर पेशाब करते हुए जो मंत्र आपने कागज़ पर लिखा था उसका जाप करना है। जितनी देर तक आपको पेशाब आ रहा है उतने समय तक इसका आपको जाप करना है। जाप करने के बाद आप देखना 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपके शत्रु का विनाश हो जाएगा। खून के आंसू रोने लग जाएगा वो, और अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगेगा। यह टोटका आपको शनिवार या मंगलवार के दिन करना है, और इसमें कोई समय सीमा वादे नहीं है। आप किसी भी समय यह टोटका कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें वार आप शनिवार या मंगलवार के दिन ही करें। वैसे तो हमने आपको टोटके में सारी बातें बताई है, मंत्र भी बताया है, विधि भी बताई है, उसके बावजूद आप टोटका करते हैं आपको फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप गुरु जी से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। खास तौर से वह व्यक्ति तो जरूर संपर्क करें जो किसी बाबा पंडित मौलवी से कार्य करवाए हैं और किसी कारणवश उनका काम नहीं हो पाया है, तो एक बार वो गुरु जी से संपर्क करें और अपनी समस्या के बारे में विचार विमर्श करें। निश्चित रूप से गुरु जी उनकी हर समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, हमारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और आप हमारी इस वीडियो को अपने इष्ट मित्र परिवारजन में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके।